हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2012 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है द रेवन। ये मूवी 19वीं सदी के मशहूर पोएट और राइटर एडगर एलन पो के आखिरी दिनों पर आधारित एक फिक्शनल स्टोरी थी। एडगर एलन पो की डेथ बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी और किसी को नहीं पता कि उसके साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ। बस इतना पता चला कि वो मरने से पहले वो बार बार रेनल्ड्स नाम ले रहा था। ये मूवी पूरी तरह से फिक्शनल है, पर लास्ट में उसके मरने के इंसिडेंट को मूवी में सेम रखा गया है। इसमें जॉन कुसेक, ल्यूक इवांस और एलिस ईव मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसे मिक्सा रिस्पांस मिला था। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक सीरियल किलर के बारे में है, जो कि एडगर एलन पो के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड था, और वो ठीक वैसे ही कत्ल को अंजाम देता है जैसा एडगर की कहानियों में लिखा होता है। चूंकि एडगर मिस्टीरियस और डेथ के ऊपर काफ़ी कहानियां लिखता था, तो इससे सबका शक पो पे जाता है, जिसे वो बेकसूर होता हुआ भी मुश्किल में फंस जाता है। और उसके साथ आगे क्या क्या होता है वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो मूवी शुरू होती है और हम एडगर एलन पो को किसी पार्क में एक बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं। अब यहाँ पे मूवी कट होकर थोड़ा टाइम पहले चलती है। 19वीं सदी बाल्टीमोर मैरीलैंड में कुछ पुलिस वालों को एक घर में किसी औरत की लाश मिलती है। जब वो लोकेशन पे पहुँचते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था तो खूनी भाग कैसे गया, जबकि खिड़की पे भी कील लगे हुए थे। तो वो छानबीन कर ही रहे होते हैं कि उन्हें चिमनी में से एक और लाश मिलती है, और वो लाश उस औरत की 12 साल की बेटी की होती है। दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम एडगर एलन पो को देखते हैं, जो कि फाइनेंशियली कंगाल होता है और जहाँ भी जाता उसे काम नहीं मिलता। इवन कि उसका न्यूज़पेपर का एडिटर भी उसकी कहानी छोड़कर उसके राइवल की कहानी छाप देता है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कैप्टन चार्ल्स हैमिल्टन की बेटी एमिली हैमिल्टन से प्यार करता है, पर दोनों का ऐसे मिलना उसके पिता को पसंद नहीं होता। इधर डिटेक्टिव एमेट फील्ड्स उस केस के इन्वेस्टिगेशन करने आता है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे वो खिड़की पे लगे एक सीक्रेट लॉक के बारे में पता चलता है, जिससे खिड़की खुल जाती है। चूंकि उसने एक बार एडगर के द्वारा लिखी एक कहानी जिसका नाम द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग पड़ी थी, और ये सिचुएशन ठीक वैसे ही रिसेंबल कर रही थी, तो इसीलिए उसे इस लॉक के बारे में पता चलता है। तो उसे एडगर पे शक होता है। एडगर को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ डिटेक्टिव एडगर को आज का न्यूज़पेपर दिखाता है, जिससे एडगर को ये पता चलता है कि ये मर्डर उसकी लिखी कहानी से रिसेंबल कर रहा था। यहाँ पूछताछ के दौरान फील्ड्स को अपने जूनियर से पता चलता है कि एक और मर्डर हो गया, और इस बार वो शख्स ग्रिसवर्ल्ड होता है, जिससे एडगर की कांटे की टक्कर थी और उसे एक तेज़धार पेंडुलम के साथ बीच में से आधा काटा गया था। तो दोबारा से एडगर शक के घेरे में आ जाता है, पर वहाँ एडिटर फील्ड्स को बताता है कि बेशक दोनों के बीच जुबानी लड़ाई चल रही थी, पर उसका कत्ल करना एडगर के बस के बात नहीं, क्योंकि वो मक्खी के अलावा किसी और को नहीं मार सकता। फिर एडगर को उसकी शिनाख्त करने को बुलाया जाता है, और यहाँ स्पॉट देखकर एडगर को पता चलता है कि ये मर्डर उसके द्वारा लिखी कहानी द पिट एंड द पेंडुलम से रिसेंबल करता है। तो यहाँ दोनों को रियलाइज़ होता है कि कातिल उसकी कहानियाँ पढ़कर खून कर रहा है, और एक तरह से उन्हें चुनौती दे रहा था कि अगर दम है तो उसे पकड़ कर दिखाएं। वहाँ डिटेक्टिव एडगर को एक मास्क दिखाता है जो कि डेड बॉडी से मिला था। जब एडगर उसे देखता है तो उसके अंदर एक नोट पे कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर एडगर डिटेक्टिव को बताता है कि ये लाइंस उसकी कहानी द मास्क ऑफ द रेड डेथ में से ली गई हैं, और जिसका मतलब ये बनता है कि अब अगला खून किसी मास्क पार्टी में होगा, और ऐसी ही पार्टी कल चार्ल्स हैमिल्टन एमिली के बर्थडे के लिए देने वाला था। तो डिटेक्टिव हैमिल्टन से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है, और कहता है कि हमारे आदमी सादा कपड़ों में पार्टी में रहेंगे ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो सके, जिस पे हैमिल्टन मान जाता है। तो पार्टी का दिन होता है और सारे शहर के लोग वहाँ आए होते हैं। एडगर भी उनकी मदद करने वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर हैमिल्टन गुस्सा होता है, पर डिटेक्टिव कहता है कि वो हमारे साथ है और इस केस में हमारी मदद कर रहा है। वहाँ सब कुछ ठीक होता है और सब शांत होता है कि कहीं से एक शख्स घोड़े पर बैठकर वहां आ जाता है, और हैमिल्टन उसे कातिल समझकर गोली मार देता है, पर वो एक अनजान शख्स होता है जिसे कातिल ने वहां एक नोट देकर भेजा होता है, और पीछे से सबको चकमा देकर वो एमिली को उठाकर ले जाता है। सब हाथ मलते रह जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव वो लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें कातिल ने एडगर की जासूसी को चैलेंज किया होता है, और वो उसके साथ एक खेल खेलना चाहता था जिसपे एमिली की जान दांव पे लगी थी,
जिसमें वो कहता है कि अब वो कोई भी कत्ल करेगा तो उस पर एक सुराग छोड़ेगा जो उन्हें एमिली के और करीब ले जाएगा, और इसके साथ साथ उसे रोज़ एक नई दिलचस्प कहानी लिखनी होगी और न्यूज़पेपर में छपवानी होगी, और अगर उसे कहानी अच्छी नहीं लगती तो एमिली मारी जाएगी। फिर हैमिल्टन यहाँ आता है और एडगर को मारता है, पर डिटेक्टिव उसे बचाता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। फिर अगले सीन में एक और लाश मिलती है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडगर उन्हें बताता है कि ये खून भी उसकी कहानी द मिस्ट्री ऑफ मैरी रॉजर्ट से इंस्पायर्ड था, पर वो कहता है कि ये कुछ अलग ही है क्योंकि उसकी कहानी का किरदार डूबकर मरा था जबकि इसे गला घोंट कर मारा गया है। तो डिटेक्टिव उसे कहता है कि मुझे इस कहानी से रिलेटेड सब कुछ लिख कर दो। अब अगले सीन में हम एमिली को देखते हैं जिसे कातिल ने किसी ताबूत में बंद करके रखा था। दूसरी तरफ एडगर की कहानी अखबार में छपती है जिसे पढ़कर लोग उससे नफरत करने लगते हैं। यहाँ डिटेक्टिव एडगर को बताता है कि वो कोई स्टेज एक्ट्रेस थी और अगला खून शायद थिएटर में होगा, तो वो थिएटर में जाकर सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका एक क्रियू मेंबर जिसका नाम मॉरिस है वो गायब है। यहाँ कातिल का और एडगर का आमना सामना होता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर सर्च के दौरान उन्हें वहाँ एक इंसान की कटी जुबान मिलती है। वो कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्यों किया गया था। खैर फिर अगले सीन में लोगों के द्वारा एडगर के घर को आग लगा दी जाती है और उसका घर जलकर खाक हो जाता है और एडगर डिटेक्टिव के पास आ जाता है। यहाँ बातचीत के दौरान एडगर को पता चलता है कि मॉरिस एक सेलर था और कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था और थिएटर में काम करने लगा। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसकी एक टांग नकली थी और उसे शिप का नाम बताता है जिसपे वो पहले काम करता था। तो एडगर को एकदम से अपनी कहानी द कैस्क ऑफ एमेंटी लेडो के बारे में याद आता है जिसके मुताबिक उस कहानी के किरदार को ताबूत में डालकर तहखाने की दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है। तो उन्हें शक होता है कि शहर में पानी की सुरंगों के नीचे वो हो सकता है, तो डिटेक्टिव अपनी पुलिस फोर्स लेकर सुरंगों में उसे ढूंढने जाते हैं। वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एमिली की बॉडी मिल जाती है जिसे दीवार में चुनवाया गया था। जब वो उसको दीवार से बाहर निकालते हैं तो वो मॉरिस की बॉडी होती है जिसे एमिली जैसे कपड़े पहनाकर वहाँ रखा गया था। इधर डिटेक्टिव को एक साया नजर आता है तो वो उसका पीछा करता है पर कातिल उसे चकमा देकर भाग जाता है। इधर उन्हें मॉरिस के हाथ में एक चिट्ठी मिलती है। जब वो बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो जुमार उन्हें थिएटर में मिली थी वो इसी सेलर की ही थी, और उसके मुंह में हैमिल्टन की घड़ी मिलती है जो कि तब पार्टी में चोरी कर ली गई थी। इसके द्वारा कातिल उन्हें एमिली की लोकेशन देना चाहता था, तो उन्हें हैमिल्टन के नेविगेशन सिस्टम से पता चलता है कि उसे होली क्रॉस चर्च में रखा गया है। वहाँ जाने पर उन्हें एमिली के नाम से एक कब्र मिलती है पर एमिली वहाँ नहीं होती। कातिल वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है और डिटेक्टिव को भी गोली मारकर घायल कर देता है। एडगर उसका पीछा करता है पर वो बचकर निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एमिली किसी तरह ताबूत से बाहर आ जाती है और भागने ही वाली होती है कि कातिल उसे बेहोश कर देता है। इधर एडगर एक आखिरी न्यूज़पेपर कॉलम लिखता है जिसमें वो एमिली के बदले अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता है और कहता है कि वो एमिली को छोड़ने के बदले खुद जहर खा लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एडगर की मेड उसे किलर द्वारा दिया गया लेटर देती है जिसमें वो उसकी टर्म्स मान लेता है, पर एडगर को शक होता है कि ये लेटर पेपर छपने से पहले आया था क्योंकि उस रात बारिश हुई थी पर अखबार सूखा था और नोट अखबार के नीचे था। इसका मतलब वो अखबार से पहले ही वहाँ रखा गया था, जिसका मतलब ये होता है कि किसी को अखबार छपने से पहले उसके बारे में पता चल गया था। तो उसे अखबार के एडिटर हेनरी पे शक होता है तो उससे पूछताछ करने जाता है, पर वो उसके पहुँचने से पहले ही मरा होता है और उसे उसकी लाश के पास एक और नोट मिलता है। अब यहाँ पे हमें असली किलर का पता चलता है। दरअसल वो उस प्रेस का टाइपराइटर इवान रेनल्ड्स होता है जो उसे बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, और जब उसे पता चला कि उसने लिखना बंद कर दिया तो उसका दिल टूट गया और इसीलिए उसने ये सारे खून किए ताकि वो फिर से उसे लिखने पे मजबूर कर सके, और फिर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पहली बार किलर और एडगर आमने सामने होते हैं, तो एडगर उससे एमिली के बारे में पूछता है और पिस्तौल से उसे डराता है, पर इवान कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो एमिली भी मर जाएगी, और कहता है कि ये पिस्तौल मुझे दे दो। तो कोई चारा ना बनता देख एडगर वो पिस्तौल इवान को दे देता है। फिर इवान एक गिलास में जहर डालता है और जैसा सौदा हुआ था वो उसे पीने को कहता है, जिसपे एडगर वो जहर पी लेता है। इवान उसे बताता है कि फ्रांस में भी एक यंग राइटर है जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। फिर जाते वक्त इवान उसे उसकी लिखी हुई एक कहानी द टेल टेल हार्ट में से एक लाइन पढ़कर सुनाता है, जिससे एडगर को क्ल्यू मिल जाता है कि एमिली इसी प्रिंटिंग फ्लोर के नीचे कहीं दफन है। तो एडगर मरते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो फ्लोर उखाड़ देता है। फ्लोर के नीचे उसे एक ट्रैप डोर मिलता है जिसका रास्ता नीचे तहखाने में जाता था, तो वो नीचे जाता है और उसे एमिली एक ताबूत में मिल जाती है।
वो उसे बाहर निकालता है और वहाँ डिटेक्टिव पुलिस वाले और हैमिल्टन सब आ जाते हैं। उनको एमिली मिल जाती है पर एडगर का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ पे हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं। एडगर एक पार्क में बैठा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और बार बार रेनल्ड्स का नाम लेता है। एक आदमी उसके पास से गुजरता है तो एडगर उसे कहता है कि फील्ड्स को कहना उसका आखिरी नाम रेनल्ड्स था। वो कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद डिटेक्टिव को एडगर की लाश मिलती है जिसपे डॉक्टर उसे बताता है कि मरने से पहले वो कह रहा था कि फील्ड्स को कहना कि उसका आखिरी नाम रेनल्ड्स था। यहाँ डिटेक्टिव को भी कुछ समझ नहीं आता और वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इवान पेरिस पहुँच जाता है और एक बग्गी पे चढ़ जाता है, पर पहले से ही उस बग्गी में डिटेक्टिव उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि अब उसे सब पता चल गया था। यहाँ इवान उस पर हमला करने लगता है पर डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो मूवी देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाता है, पर जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं उनके लिए बता दूं कि एडगर एलन पो एक फेमस राइटर होता है जिसकी कहानियों का इवान रेनल्ड्स फैन था और उसे उसकी कहानियाँ पढ़ना पसंद था, पर किसी कारण एडगर लिखना बंद कर देता है जिसका इवान पे गहरा असर होता है और उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसका नतीजा ये होता है कि इवान उसकी कहानियों से इंस्पायर्ड होकर कत्ल करने शुरू कर देता है। पर सवाल ये होता है कि वो उसे लिखने के लिए इंसिस्ट कैसे करे, तो उसकी प्रेमिका एमिली को किडनैप कर लेता है जिससे वो एडगर को दोबारा लिखने पे मजबूर कर सके, और होता भी कुछ वैसे ही है। और फिर एडगर अपनी जान देकर एमिली की जान बचाता है और लास्ट में इवान एडगर को ख़त्म करने के बाद उस जैसे ही एक और राइटर को सबक सिखाने फ्रांस के लिए रवाना होता है, पर डिटेक्टिव को उसका पता चलने पर वो उसे मार देता है और सीरियल किलिंग का सिलसिला यहीं रुक जाता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।